इस वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की वैलिडिटी के लिए। वेन डायग्राम एक बहुत ही बेस्ट टूल है जिसकी मदद से कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के बारे में ये हम मालूम कर सकते हैं कि ये एक वैलिड सिलोजिज्म है या एक इनवैलिड सिलोजिज्म। लेट्स सी इस टेक्निक को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कि कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के अंदर तीन टर्म्स होती हैं, तो इन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम तीन ओवरलैप्ड सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। वी यूज थ्री ओवरलैप्ड सर्कल्स टू रिप्रेजेंट सब्जेक्ट टर्म, प्रेडिकेट एंड द मिडिल टर्म। तो ये सब्जेक्ट टर्म के लिए, ये प्रेडिकेट टर्म के लिए और ये मिडिल टर्म के लिए। आइडिया बहुत सिंपल है कि हमें सिर्फ क्या करना है, प्रेमिसेस को ड्रॉ करना है। सो ड्रॉ द प्रेमिसेस। जब हम प्रेमिस को तो प्रेमिस को ड्रॉ करने के बाद हम लोगों ने कंक्लूजन को इन्फर करना है डायग्राम से। तो अगर कंक्लूजन इन्फर हो जाती है, यानी कि क्या मतलब हुआ है कि कंक्लूजन इज ड्रॉन ऑटोमेटिकली, यानी कंक्लूजन की ड्राइंग अपने आप हो जाए, तो इसका मतलब है कि सिलोजिज्म आपका। और अगर हम कंक्लूजन की ड्राइंग को इन्फर ना कर पाए, तो इसका मतलब है कि कंक्लूजन आपका आपका सिलोजिज्म क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। रिमेंबर, डू नॉट ड्रॉ कंक्लूजन, इट शुड बी इन्फर्ड फ्रॉम द डायग्राम, राइट। सो हमने सिर्फ क्या करना है कि इस डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए इसको ड्रॉ करना है, पहले प्रेमिस को, दूसरे प्रेमिस को, और फिर उसके बाद हमने इसको गौर से देखना है, इसका तजिया करना है, इसका एनालिसिस करना है, और फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि कंक्लूजन की ड्राइंग अपने आप निकल रही है कि नहीं निकल रही। अगर कंक्लूजन की ड्राइंग अपने आप निकल रही है, तो इसका मतलब है कि ये सिलोजिज्म वैलिड है, अदरवाइज ये इनवैलिड है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको अप्लाई करने हैं, वो ये हैं कि जब आप प्रेमिसेस को ड्रॉ करें, तो ये एज्यूम करें कि जो तीसरा सर्कल है वो मौजूद ही नहीं है। सो व्हाइल ड्राइंग अ प्रेमिस, जस्ट एज्यूम दैट द थर्ड सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको प्रेमिस ड्रॉ करने में ज़रा आसानी होगी, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जो तीसरा सर्कल होगा वो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो जस्ट एज्यूम कर लें कि तीसरा सर्कल मौजूद ही नहीं है, तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑलवेज ड्रॉ द यूनिवर्सल प्रेमिस फर्स्ट। हमें पता है कि जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं वो यूनिवर्सल भी होती हैं, वो पर्टिकुलर भी होती हैं। तो अगर प्रेमिसेस के अंदर एक यूनिवर्सल प्रेमिस है, एक पर्टिकुलर प्रेमिस है, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यूनिवर्सल प्रेमिस को पहले प्लॉट करना या पहले ड्रॉ करना। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको दूसरे प्रेमिस के लिए, अगर वो पर्टिकुलर प्रेमिस है, तो अच्छी तरीके से एक निशानदेही हो जाएगी कि एक्स किस जगह पर आना चाहिए, राइट। सो अगर आपके पास दो ऐसे प्रेमिस हैं, एक जो यूनिवर्सल है, एक पर्टिकुलर है, तो हमेशा कौन सा पहले करेंगे, पहले यूनिवर्सल प्रेमिस को पहले ड्रॉ करेंगे। और अगर जो प्रेमिस हैं उनकी क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, सेम है, मतलब यानी कि दोनों के दोनों यूनिवर्सल पर्टिकुलर है, तो फिर आप कोई सभी पहले ड्रॉ कर लें। चलें जी, अब हम इसको अप्लाई करके देखने की कोशिश करते हैं। ये एक छोटी सी एक एग्जांपल देखें। कंसीडर द फॉलोइंग सिलोजिज्म विद बूट ट्रिपल ए एंड फिगर इज वन। हमारे पास बूट ट्रिपल ए है, तो फिगर ये वन है, तो फिगर आपके पास यहाँ से आ गई, ऑल एम आर पी एस आर एम, देयरफॉर ऑल एस आर पी। ये हमारे पास इस मूड एंड फिगर से हमने ये डायग्राम को क्या कर ये सिलोजिज्म को रिकंस्ट्रक्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ तीन सर्कल्स दिए, ये मैंने अलग-अलग से करने की कोशिश की है कि पहले हम लोग एक ड्रॉ करेंगे, उसके बाद दूसरा ड्रॉ करेंगे, और फिर हम लोग कंक्लूजन को इन्फर करने की कोशिश करेंगे। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, लेकिन इन एक्चुअल टर्म्स आपको इस फिगर इस्तेमाल करना, तीन ओवरलैप सर्कल होंगे और उसी के अंदर आपने ये सारी ड्राइंग करनी है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो पहले आप ये देखिए ऑल एम आर पी। सो ऑल एम आर पी, ये आपके पास एम है, ये आपके पास पी है, इसको आप इग्नोर कर दें फॉर द टाइम बीइंग कि ये एग्जिस्ट भी करता है। हमने सिर्फ एज्यूम करना है कि ये मौजूद नहीं है, तो इससे हमारा आसानी हो जाएगी।
सो ऑल एम आर पी का मतलब है कि सारे मेंबर एम के किस में शामिल है, पी में शामिल है। तो मैं एम के उस हिस्से को शेड कर दूंगा जो कि पी में शामिल नहीं है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑल एम आर पी। इसी तरीके से हमारे पास है ऑल एस आर एम, तो ऑल एस आर एम का मतलब क्या होगा कि सारे मेंबर एस के वो एम के अंदर शामिल है। तो मैंने इसको एस, ये एस है, ये एम है और ये पी है, राइट। पी को मैंने इग्नोर किया कि ये जो पी एग्जिस्ट भी करता है, तो अब मैंने एस के उस हिस्से को शेड कर दिया जो कि एम में शामिल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे मेंबर एस के किस में शामिल हैं, वो एम में शामिल है। दोनों के दोनों प्राइमर्स आपके क्या हो गए, ड्रॉ हो गए। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप इनको कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन तो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ करना था। तो अगर मैं अलग अलग के बजाय इसी फिगर के अंदर ड्रॉ करता तो बिल्कुल ऐसे ही होता कि ऑल एम आर पी एज्यूम करता कि ये है ही नहीं। तो मैंने ऑल एम आर पी को ड्रॉ किया, इसके बाद ऑल एस आर एम, इसको मैंने इग्नोर कर दिया पी को, और इस हिस्से को मैंने शेड कर दिया। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन हो। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है क्या कंक्लूजन की ड्राइंग निकल रही कि नहीं निकल रही। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर। सो यहाँ पर देखिए, नोट, नेवर ट्राई टू ड्रॉ योर कंक्लूजन, इट मस्ट बी ड्रॉन ऑटोमेटिकली आफ्टर वर्किंग विद द प्रेमिस। सो प्रेमिस को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, है कि कंक्लूजन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, या हम लोग इन्फर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमारा कंक्लूजन क्या, ऑल एस आर पी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एस का वो हिस्सा शेड होना चाहिए जो कि पी में शामिल नहीं है, राइट। तो अगर आप गौर से देखें, एस का ये वाला हिस्सा वो हिस्सा है जो कि पी में शामिल नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा और भी हिस्सा है जो है कि इसके अंदर आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें, एस का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि पी में तो है लेकिन अनशेडेड है। तो इसका मतलब ये हो है कि एस के जितने भी मेम्ब्रान होंगे वो किस जगह पे, वो इसी जगह पे फॉल कर रहे होंगे। तो हम ये इन्फर कर सकते हैं कि एस के तमाम मेंबर पी के अंदर शामिल हैं। तो कंक्लूजन कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस डायग्राम एंड हेंस दिस इज ए वैलिड सिलोजिज्म। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक सिलोजिज्म है, ऑल डॉग्स आर, ऑल कैट्स आर मैमल्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स, राइट। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, ऑल डॉग्स एंड मैमल्स। तो ये हमारे पास, और नोट करने वाली बात है, दोनों के दोनों यूनिवर्सल हैं। तो कोई से भी पहले आप प्रेमिस पकड़ें और इसको ड्रॉ कर दें। सो ऑल डॉग्स एंड मैमल्स को पहले देखते हैं। तो ये आपके पास ऑल डॉग्स एंड मैमल्स, ये मैमल है। तो मैंने डॉग्स का वो हिस्सा शेड कर दिया जो कि मैमल्स के अंदर शामिल नहीं है। तो ये सारा हिस्सा शेड हो गया, तो ऑल डॉग्स एंड मैमल्स की रिप्रेजेंटेशन हो गई। इसी तरीके से ऑल कैट्स आर मैमल्स, सो ये कैट्स और ये मैमल्स हैं, इसको मैंने इग्नोर किया। और फिर मैंने कैट्स का वो हिस्सा जो कि मैमल्स में शामिल नहीं है उसको मैंने, अब प्रेमिसेस की शेडिंग हो गई। अब मुझे क्या करना है, कंक्लूजन को इन्फर करना है। सो ऑल कैट्स आर डॉग का मतलब है कि सारे के सारे कैट्स जो हैं वो डॉग्स हैं। अब इसको गौर से देखें, ये हिस्सा भी शेड होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। आपका ये वाला पार्ट शेड होता और ये हिस्सा अगर खाली रहता तो रिप्रेजेंट हो जाती। लेकिन अब यहाँ पर ऑल कैट्स और डॉग्स की जो रिप्रेजेंटेशन है, कंक्लूजन है, वो नहीं निकल रही। इस वजह से सिलोजिज्म क्या हो गया, ये आपका इनवैलिड सिलोजिज्म हो गया।